हेलो एवरी वन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल भुवनेश्वंश बीविता एजुकेशन। टुडे विल बी आवर फोर्थ AEC एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स क्लास इन विच वी विल स्टडी अबाउट BA, BSc एंड BCom ऑनर्स EVS सिलेबस ऑफ ऑल। आवर सेकेंड यूनिट इज विच आवर टूडेज टॉपिक इज इकोसिस्टम टाइप्स एंड सर्विसेज। सो first of all you subscribe to our channel so that the list upcoming courses will be provided to you. You will find the link of the given PDF in the description box and list of our latest B honors Hindi course semester 2 of DSC 6, Hindi Nibandh evam Anya Gadya Vidhaye lessons playlist videos link will be found in the description box. So we will start our today's lesson 2nd ecosystem part 3 ecosystem types and services. So lesson 4, this is in this our syllabus. This is not a lesson 4, this is unit 2nd ecosystem part 3 of this video, ecosystem types and services. Firstly, we will learn about types of ecosystem: terrestrial ecosystem and aquatic ecosystems, ecosystem services, ecosystem preservation and conservations, and done this unit. Ecosystem जो chapter है आज हमारा पूरी तरह से इस video के साथ समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम objectives अपने उद्देश्य देख लेते हैं कि ecosystem में types और services पढ़ने से होगा क्या। तो इसमें हमें अपनी स्ट्रेटजीज पता लगेंगी इकोसिस्टम की, कंजर्वेशन की, हम समझ पाएंगे इकोसिस्टम के सर्विस के कॉन्सेप्ट को, हम समझ पाएंगे किस तरह से हमें इकोसिस्टम को बचाना चाहिए या क्या क्या उद्देश्य बनाने चाहिए उस इकोसिस्टम को, अपने इकोसिस्टम को बचाने के लिए, और इकोसिस्टम को किस तरह से हम बेसिक नीड से रिस्टोरेशन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, इकोसिस्टम कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल वाटर बॉडीज टू एन ओशन। जो इकोसिस्टम वो पूरी तरह से फैला हुआ है, उसकी रेंज है पूरी ओशन, लैंड, सिमिलरली ठीक है बायोस्फीयर, पूरा बायोस्फीयर के साथ वो मिला हुआ है। दो तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं हमारे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम उस काइंड के इकोसिस्टम माने जाते हैं जिसमें लैंड से रिलेटेड ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, ये सभी डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड की जाते हैं। उसमें सबसे पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फर्स्ट टाइप का आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम मेनली कंसिस्ट्स ऑफ द कम्युनिटी, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, फंक्शनिंग कलेक्टिवली एक्सचेंज मटेरियल एंड एनर्जी, वेयर ट्रीज, श्रब्स, क्लिम्बर्स एंड ग्राउंड कवर फॉर्म द मेन कंपोनेंट। ठीक है, जिसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लिम्बर्स, ठीक है, ये सभी टाइप्स के पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, द फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ, जो इकोसिस्टम में फॉरेस्ट है उसमें एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग एंड बायोटिक लिविंग थिंग्स दोनों तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं, जिसमें हमारा टेम्परेचर, रेनफॉल, टॉपोग्राफी, सॉइल प्रॉपर्टीज, ये सभी भी हमें दिखाई देते हैं। फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया, इंडिया में अलग अलग तरह के हमारे जंगल हैं, तो उनके नाम हैं कुछ इस तरह से, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं, जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में हिमालयन माउंटेन रेंजेस होती हैं। ठीक है, मैनी मंथ्स ऑफ द ईयर विद द टेम्परेचर डिपिंग, इसका जो टेम्परेचर है बहुत सालों तक जीरो नेगेटिव वैल्यू पे ही रहता है, जहाँ पे पाइन एंड देवदार ट्रीज उगाए जाते हैं, उन्हें कॉनिफेरस फॉरेस्ट या कॉनिफेरस जंगलों के नाम से जाना जाता है। इन जंगलों में सबसे ज़्यादा एनिमल्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, लेपर्ड, हैंगफुल, हिमालयन ब्राउन बियर। ठीक है, और कुछ एनिमल्स को यहाँ पे अडेप्टेड भी कर रखा है फॉरेस्ट के ज़रिए, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज़ को, जैसे गोट, शीप्स, ठीक है, हिमालयन ब्लैक बियर एक्सेट्रा। ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, ब्रॉडलीफ के नाम से हमें पता लग रहा है बड़ी पत्तियाँ, तो जिन जंगलों में, इन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। वेस्टर्न घाट, नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये सबसे ज़्यादा
सदाबहार वर्षावन एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दिस इज़ वाई द एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, ये साल में एक बार पूरी अच्छी तरह से हरे रहते हैं, साल में हमेशा वैसे ही हरे रहते हैं। हाई डाइवर्सिटी होती है यहाँ पे मैमल्स की, रेप्टाइल्स की, इंसेक्ट्स की, जो कि अडॉप्टेड किए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आइलैंड में टाइगर, लिपर्ड, सांबर, मालाबार, पाइड हॉर्नबिल, ट्री फ्रॉग, इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। और कुछ रेयर एनिमल्स भी है जैसे पिग्मी, हॉग, लाइन टेल्ड मैक्यू, ये सभी एवरग्रीन फॉरेस्ट के यूनिक एनिमल्स हैं। ट्रेडिशियस फॉरेस्ट भी इसे कहा गया है। ट्रेडिशियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सेंटर हाईलैंड्स, सेंटर हाईलैंड्स डेक्कन प्लेटू पेनिनसुला के पास ये पाया जाता है, ये वाले ऐसे जंगल ट्रेडिशियस फॉरेस्ट। द अपीयरेंस ऑफ दिस फॉरेस्ट वेरीज विद द सीजन, समय के साथ साथ ये बदलता रहता है। द फ्लॉर टीक, टीक मीन्स टेक्टोना ग्रैंडिस, साल, साल का पेड़ होता है। शॉरिन रोबस्टा एन टर्मिनालिया एलिप्टा थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। अब अगले टाइप का हमारा आता है थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। यहाँ पे सेमी एरिड एरिड रीजन इंडिया के होते हैं, लो एंड वेरी लो रेनफॉल के जो क्लाइमेट है वो रहता है। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्रीज हैव लॉन्ग एंड डीप रूट्स विच हेल्प दैम एक्सेस वाटर बिलो द ग्राउंड। ट्री स्पीशीज यहाँ पे बबूल, ठीक है, एशिया निबोक्टा, खेजड़ी, प्रोपेसिस सिनेरिया, बर्ड, जिजिप्सस मेरिटिनिया, ठीक है, इस तरह के रहते हैं। और यहाँ पे कुछ फ्यू एग्जांपल्स हैं एनिमल्स के, जैसे लिजार्ड्स, ठीक है, ब्लैक बक, चिंकारा, सांभर, मॉनिटर, रिजार्ड्स, इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट में कंसिडर्स रहते हैं हमारे ट्रीज श्रब्स फाउंड इन द कोस्टल शर्स इन द कोस्टल इंडस्ट्रियल जोन्स इन द ट्रॉपिक्स एंड द सब ट्रॉपिक्स। ऑल दिस ट्रीज ग्रो इन द एरियाज विद लो ऑक्सीजन सॉइल वेयर स्लो मूविंग वाटर्स ऑल्सो फाइंड द सेडिमेंट्स टू एक्यूमुलेट। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि मडी वाटर में रहते हैं, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट में एकता फॉरेस्ट आइडियल हैबिट्स एंड फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इकोसिस्टम में प्रोवाइड किए जाते हैं सेवरल प्रोडक्ट इनके कंजप्शन के लिए, जैसे फ्रूट्स, मेडिसिन, फ्यूल वुड, ठीक है। इन फॉरेस्ट ये सभी हमें फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग्स के लिए मटेरियल या इन जंगलों से, इन फॉरेस्ट से हमें पाया मिलता है। मैनग्रोव ट्रेडिशियस फॉरेस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टुंड्रा इकोसिस्टम। टुंड्रा इकोसिस्टम एक आर्कटिक टुंड्रा है जो कि एक्सट्रीम नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में पाया जाता है, जो कि सीजनली जो वहाँ की बर्फ है वो मेल्ट हो जाती है। अदर हैंड यहाँ का एल्पाइन टुंड्रा इज फाउंड इन द हाई एलिवेशन ऑफ माउंटेंस के ऊपर, मतलब सेवियर रहता है, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो पूर इन द टुंड्रा, प्रेसिपिटेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है उन इकोसिस्टम्स का। द डोमिनेंट वेजिटेशन इज टुंड्रा इंक्लूडिंग मॉसेस, लिचन, ग्रासेस फाउंड इन द टुंड्रा, ठीक है, इस तरह के पाए जाते हैं हमें वेजिटेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड लैंडस्केप्स पर पाई जाती हैं, उगती हैं। एनुअल प्लांट्स इन्हें कहा जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशनों के साथ ग्रासलैंड उगते हैं, ठीक है। यूएस के मिड वेस्ट पैम्पास, साउथ अमेरिका स्टेपीज, इन सेंट्रल यूरेशिया, यूरेशिया मतलब हमारा इंडिया, ठीक है, हमारा सेंट्रल जो इंडिया है वहाँ पे अफ्रीका में ग्रासलैंड पाए जाते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर साल में वार्म एंड ड्राई रहता है, रेनी सीजन भी आता है, जहाँ पे कुछ जानवर हमारे जिराफ्स, जैब्रा, राइनोज, लायंस, हिनास, एलिफेंट्स पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड जहाँ का टेम्परेचर्स पूरे साल पूरे सीजन में सेम ही रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल है ग्रासलैंड्स के इंडिया में, जैसे हिमालय, पास्टर बेल्ट, एक्सटेंड इन द स्नो लाइन, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द पैचेज, ऑल्सो कॉनिफेरियस फॉरेस्ट एंड ब्रॉडली फॉरेस्ट, इसके एग्जाम्पल्स हैं।
कि इन इन जगह पे इस तरह के ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल रीजन के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस एज पास्चर लैंड्स फॉर देयर कैटल। इन एडिशन टू दिस सर्टेन ग्रासेस आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फ्यूल वुड। दे ऑल्सो प्रोवाइड हैबिटेट्स टू पॉलिनेटर्स। Having said the grasslands have been degraded severely as they are overused and exploited. Desert ecosystems जहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं होते देखने को सिर्फ पूरे साल में एक्सट्रीम कम से कम 12 सेंटीमीटर पूरी एक साल में बारिश हमें वहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि ड्राई डेजर्ट राजस्थान में है। ठीक है, टिपिकल डेजर्ट इसे इंडिया का माना जाता है। सैंड ड्यून्स रेनफॉल बिल्कुल कम रहती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ श्रब्स एंड ट्रीज पाए जाते हैं जैसे बबूल, ठीक है, एंड खेर का। इन एडिशन टू द थार डेजर्ट, इसमें हम थार डेजर्ट को भी ऐड कर सकते हैं। मोर डेजर्ट, बहुत सारे डेजर्ट हमारे इकोसिस्टम इस तरह के। थार डेजर्ट जो ये लद्दाख में पाया जाता है, जहाँ का सुबह का टेम्परेचर गर्म रहता है जबकि रात का 0 डिग्री से भी ज़्यादा का हो जाता है। मॉनसून इसका लो लाइंग एरियाज है सी के पास। ठीक है, इसे ग्रेट रैन ऑफ कुछ के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैमिंगोज यहाँ पे पाए जाते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट इस यूनिट का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम देखेंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम वो होता है जिसमें किसी भी तरह के पानी में रहने वाले जानवरों के इकोसिस्टम्स के बारे में बताया जाता है, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशंस। पहला इकोसिस्टम आता है हमारा इसमें पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड आर द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम, सबसे छोटे और सबसे सिंपल एक्वेटिक इकोसिस्टम्स रहते हैं, जिसमें छोटी छोटी इंसेक्ट्स, मछलियाँ, जू प्लैंकटॉन्स, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, वॉर्म्स एक्सेट्रा, ये सभी रहते हैं। ठीक है, स्लोली लार्ज एनिमल्स जैसे एम्फीबियंस, क्रैब्स, लार्ज फिशेस, डॉल्फिन्स, वेल्स, इस तरह के मतलब वेल्स तो नहीं, पॉन्ड्स में ज़्यादातर डॉल्फिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेक इकोसिस्टम में लेक ऑन द अदर हैंड फंक्शन लाइक लार्ज परमानेंट पॉन्ड। ये परमानेंट पॉन्ड्स होते हैं जबकि नॉर्मल पॉन्ड्स साल में सूख भी जाया करते हैं, बट लेक परमानेंट पॉन्ड्स रहते हैं। द फिशेज आर कॉल्ड बॉटम फीडर्स, बॉटम फीडर्स रहते हैं इनकी फिशेज। बायोडाइवर्सिटी होती है कंजर्वेशन की। पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर फील्ड में डिग्रेडेशन इन इकोसिस्टम में रहती है। नेक्स्ट स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर आर एग्जाम्पल लॉटिक वाटर इकोसिस्टम विच मीन्स अ रनिंग वाटर इकोसिस्टम, जिसमें पानी रहता ही रहता है, कि जिसमें इसमें रहने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचती है। इन द रैपिड जोन द करेंट इन इज फास्ट विच क्लीन्स द स्लिट एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द बॉटम मेकिंग इट फर्म एंड हार्ड। ऑन द अदर हैंड इन द पूल जोन स्पीड ऑफ द करंट इज स्लो। ठीक है, तो उसका जो टेम्परेट है रिवर्स का, ओशंस का, वो कम रहता है। रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर से निकलती हैं, जो कि हमारे हिमालय से ग्लेशियर्स निकलते हैं, वहाँ से ही ये रिवर्स हैं जो बन के निकलते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इस तरह की रिवर्स हैं। एस्टुएरीज, एस्टुएरीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम वेयर सैलिनिटी लेवल, सैलिनिटी तो कि यहाँ के जो पानी सबसे ज़्यादा खारा रहता है। मार्शेस एंड मड फ्लैट्स कनेक्टिंग द फ्रेश वाटर। ठीक है, ओशन, ये इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एग्जाम्पल्स हैं ये सभी ओशंस के। मैराइन इकोसिस्टम जो कि 70% जो अर्थ का सरफेस वो पानी से ही कवर्ड है। 5000 मीटर जो डेप्थ रहती है इन ओशंस की, 35 parts per 1000 parts ऑफ वाटर वेट में है, 3.5% भी से हम कह सकते हैं। इस तरह से 0.5% हमारा फ्रेश वाटर है इकोसिस्टम में। ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्सर्टेड बिटवीन द मून एंड द अर्थ द सन, द वर्टिकल मूवमेंट इज कॉल्ड टाइड। तो टाइड आती है ओशंस में, सुनामी जिन्हें अर्थक्वेक आती है हमारे ओशंस में, उसे सुनामी नाम दिया जाता है। कॉरल रीफ कम्युनिटीज़, ये बनाई गई थी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के ज़रिए। कॉरल
Colentrate animals and anzoic algae Dinoflagellates. The animal contribute to the coral colonial structure embedded in calcium carbonate. The animal gives support the structure and nutrients to the algae, etc. etc. ये हैं हमारे कॉरल रीफ कम्युनिटीज, जो कि आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा ये कम्युनिटीज किस तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को लेकर बनाई गई। इसमें हमारे कुछ कम्युनिटीज़ भी आते हैं इंडिया के, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, गल्फ ऑफ मन्ना नियर श्रीलंका में है ये, ठीक है। कॉरल रीफ इज कॉल्ड द ग्रेट बैरियर रीफ इन द ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ी जो ये रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है। कॉन्टीनेंटल शेल्फ नेट्रिक बैंथोस कम्युनिटीज़, मैराइन सरफेस प्लेगेचिक कम्युनिटीज़, डीप ओपन बैंथोस कम्युनिटीज़, ये सभी कम्युनिटीज़ आप रीड कर सकते हो। देन वी विल स्टडी अबाउट इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स लाते हैं, अगर किसी भी तरह की कोई भी चीज़ है उसमें लाभ और हानि तो होंगे ही, बट इकोसिस्टम में चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, इकोसिस्टम में हमें हमेशा बेनिफिट्स ही मिलते आए और मिलते रहेंगे। दीज आर एसेंशियल मेंटेनेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनके फंक्शंस, ठीक है। लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, जो हमारी अर्थ है उसके फंक्शंस के लिए। चेंजेस इन इकोसिस्टम सर्विसेज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द क्वालिटी ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। ह्यूमन लाइफ के जो ये इफेक्ट पड़ रहा है अर्थ पर, उसे ठीक करने के लिए सबसे पहले प्रोविजनिंग सर्विसेज, इसमें हम इंक्लूड रहते हैं हमारे मटेरियल जैसे नेचर लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, हनी, फिश, मैराइन फूड, लाइव स्टॉक एंड अदर फूड मटेरियल, फ्रेश वाटर, फ्यूल वुड, टिम्बर फॉर फर्नीचर एंड कंस्ट्रक्शन, फाइबर, मेडिसिन, ऑयल्स, नेचुरल गैस, प्लांट मटेरियल फॉर क्लॉथ एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, ये हमारी प्रोविजनिंग सर्विसेज हैं, ठीक है। फिर हमारी रेगुलेटिंग सर्विसेज आती हैं इकोसिस्टम के ज़रिए, जिसमें इंक्लूड रहते हैं हमारे इकोसिस्टम में प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, वाटर क्लाइमेट रेगुलेशन, फ्लड कंट्रोल, कार्बन स्टोरेज, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन, नेचुरल हजार्ड रेगुलेशन, पॉलिनेशन, पेस्ट कंट्रोल एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट बाय द माइक्रोब्स, ये सभी जो प्रोसेस हैं कलेक्टिवली रहते हैं हमारे इकोसिस्टम में, जिसे सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट चेंजेस भी कहा जाता है। जो पोल्यूशंस के बारे में, वह हम अपनी लास्ट फोर्थ यूनिट में भी पढ़ेंगे। कल्चरल सर्विसेज, ह्यूमंस लाइव इन नेचर एंड कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद इट, दे चेंज इट एंड इन टर्न नेचर चेंजेस दैम। कल्चरल सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल बेनिफिट that contributes to the progress and cultural advancement of people. It includes the role of the ecosystem in the local, national and global cultures. It also includes spiritual enrichment, intellectual development, the recreation of aesthetic values and creativity born by interacting with nature like art, music and architecture. In sabhi cheezon mein hamari cultural services aati hain. फिर आती हैं हमारी स्पोर्टिंग सर्विसेज, जो कि लास्ट टाइप के सर्विसेज रहती है, जिसमें बायोकेमिकल साइकिल, फोटोसिंथेसिस, क्रिएशन ऑफ सॉइल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, इस तरह से हमारी नाइट्रोजन साइकिल भी है, जो भी हमने कल के इकोसिस्टम के पार्ट साइकिल में पढ़े थे। इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, किस तरह से उसे हम बचाएँ। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के मुताबिक ये प्रोसेस है कि हमें पार्टिशली कम्प्लीटली डिग्रेडेड करना चाहिए अपने वर्ड्स को। सिंपल वर्ड्स के साथ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का मतलब है कि इकोसिस्टम को एक फॉर्मल स्टेट में लेके आना, परफेक्ट कंडीशन में रखना। द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर, सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ये सारी हमारी जिम्मेदारी है। इंटीग्रिटी ऑफ इकोसिस्टम, स्पीसीज कॉम्पोजिशन, कम्युनिटी स्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट आता है हमारे रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है जो डिग्रेडेड लैंड है, जो फंक्शनल इकोसिस्टम है, जो ख़राब हो चुका है, उसे अच्छे से अब ठीक करना, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग ना करवाना एनिमल्स की रिपेरियन जोन में, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी ही वेजिटेशन नहीं होती, वहाँ पे एनिमल्स को ग्रेजिंग नहीं करवाना।
रेमिडिएशन, इसमें प्रोसेस चलता है हमारा फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स में केमिकल कंटिनमेंट्स होते हैं जो कि पोल्यूटेड इकोसिस्टम को साफ करते हैं ह्यूमन एंड इकोसिस्टम हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। रिक्लेमेशन, ये प्रोसेस है बायोटिक फंक्शन का जो कि प्रोडक्टिविटी देते हैं डैमेज लैंड को, ठीक है, रिस्टोर के लिए। माइग्रेशन मिटिगेशन, सॉरी, इट इज़ डिफाइंड एज अ रिस्टोरेशन रिहैबिटेशन रेडिमेशन प्रोसेस रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द सोर्स ऑफ डिग्रेडेशन, जो कि पेड़ों की कटाई हो रही है उसे कम करने के लिए ये माइटिगेशन प्रोसेस चलाया गया। ये है हमारी इस लास्ट यूनिट 2 है जो हमारी सिलेबस में इकोसिस्टम, आज की ये पार्ट 3 में उसकी लास्ट वीडियो थी। अगर आपने अभी तक इकोसिस्टम का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट लिंक से उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। रेफरेंसेस बुक भी आप इसमें से ले सकते हैं, ते AK 1990 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वाइली ईस्टर्न लिमिटेड बारूचा ई 2004 टेक्स्ट बुक फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन न्यू दिल्ली। सजेशन रीडिंग्स भी हैं चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 10 तक सभी रीडिंग्स आप कर सकते हो। दैन कल हम अपने लेसन 3rd यूनिट 3rd स्टार्ट करेंगे नेचर रिसोर्सेज, जिसमें हम लैंड रिसोर्सेज को पूरा पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद कि आज की क्लास में ज्वाइन हुए। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो कि किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी ईयर किसी भी सेमेस्टर में है, आप उसे वीडियो सेंड कर सकते हैं, क्योंकि NEP 2020 के मुताबिक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक UGC ने इस कोर्स को कंपलसरी कर दिया है कि सभी स्टूडेंट्स को EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, एनवायरमेंटल साइंसेस के बारे में नॉलेज गेन हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल, शेयर इन ऑल द दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रुप्स। थैंक यू।